गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे और उसमें हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और सिमेट्री प्रॉपर्टी। और इसमें हमने देखा था कि आईडीएफटी ऑफ एक्स स्टार के विल बी इक्वल टू एक्स स्टार एन माइनस के। ठीक है ना। नेक्स्ट इज सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे लीनियर हो या सर्कुलर हो, कॉन्वोल्यूशन अगर हम टाइम डोमेन में कर रहे हैं, अगर टाइम डोमेन में दो सीक्वेंसेस का हम कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो मल्टीप्लिकेशन बनता है। तो इसको आप कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंसेस कहें या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डीएफटीज कहें, दोनों बातें बराबर हैं। तो कई बार आपसे, आपके सामने सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डीएफटीज के फॉर्म में भी आता है और कई बार सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में भी आता है। ये सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन है। जब हम डीएफटी में बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन की, तो यहां पर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन आता है। और जो इसके पहले हमने कॉन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन पढ़ा था, वो लीनियर कॉन्वोल्यूशन था। लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में एक डिफरेंस है कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन में आपको मैंने बताया था कि लेंथ ऑफ द कॉन्वोल्यूशन कितना होगा। इफ लेंथ ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस इज एल एंड लेंथ ऑफ सेकेंड सीक्वेंस इज एम, फर्स्ट सीक्वेंस लेंथ इज एल एंड सेकेंड सीक्वेंस लेंथ इज एम, देन द लेंथ ऑफ कॉन्वोल्यूशन विल बी एल प्लस एम माइनस वन। ये अभी पिछले स्लाइड्स में एक जगह जहां कॉन्वोल्यूशन की बात आई थी, वहां मैंने आपको बताया था कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन के केस में अगर आपका एक सीक्वेंस का लेंथ L हो और दूसरे सीक्वेंस का लेंथ M हो, तो जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन होगा उसका लेंथ क्या होगा, L प्लस M माइनस वन। बट इन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन देयर इज अ कंडीशन दैट द लेंथ ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ सेकेंड सीक्वेंस, मीन्स एल विल बी इक्वल टू एम। और अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती है तो आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि एल और एम इक्वल हो, और अगर ऐसा है तो जो आपका फाइनल कॉन्वोल्यूशन होगा वो भी एल प्लस एम माइनस वन नहीं होगा, वो भी क्या होगा, एल या एम ही होगा। मींस अगर इसको हम एन कहें तो ये भी एन होगा और ये भी एन होगा। अगर इसकी लेंथ एन है और इसकी भी लेंथ एन है तो इसकी भी लेंथ एन होगी। ये सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की एक कंडीशन है। ठीक है। अब इसको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि डीएफटी में सर्कुलर सिमेट्री होती है। और जब हम सर्कुलर सिमेट्री वाले सीक्वेंसेस का कॉन्वोल्यूशन करने जा रहे हैं तो यहां पर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ही आएगा, दूसरा कोई कॉन्वोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है। फॉर्मूला वही है जैसा आपका लीनियर कॉन्वोल्यूशन का था, बिल्कुल वही फॉर्मूला है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का भी, कि एक्स थ्री एन विल बी इक्वल टू समेशन एम इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एक्स वन एम एक्स टू एन माइनस एम। ठीक ना, एक्स वन एम एक्स टू एन माइनस एम। अभी भी हमारे पास वही फॉर्मूला है जो कॉन्वोल्यूशन का होता है। फर्क कितना है कि जो समेशन है
ये इनफिनाइट लेंथ का होता है लीनियर कन्वोल्यूशन में, यहां कैसा है, यहां फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां जो आप पी देख रहे हैं, इस पी का मतलब है पीरियोडिक सीक्वेंस। तो जब तक हम पीरियोडिक सीक्वेंस लेते हैं, जब तक हम पीरियोडिक सीक्वेंस लेते हैं, तब तक ये माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट वाले सीक्वेंसेस हैं, और जैसे ही हमने इसका एक पीरियड कंसीडर किया, ये हमारा एक एक पीरियड आ गया आपके इनफिनाइट सीक्वेंसेस का, और अब ये हमारी डीएफटी के लायक हो गए, हमारे डिजिटल सिग्नल हो गए। और तब एक्स टू पी एन माइनस एम को हम क्या लिखते हैं, एक्स टू एन माइनस एम मॉड्यूलो एन। ठीक है, तब क्या लिखते हैं, एक्स टू एन माइनस एम मॉड्यूलो एन। इसको m मॉड्यूलो n लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, m प्लस n इज इक्वल टू m ही होगा ड्यू टू पीरियोडिसिटी। लेकिन x2 n माइनस m को, x2 p n माइनस m को हम क्या लिखते हैं, x2 n माइनस m मॉड्यूलो कैपिटल n। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका जो सर्कुलर कन्वोल्यूशन का है वो ये है, x3 n इज इक्वल टू समेशन n m इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x1 m x2 n माइनस m मॉड्यूलो n, वेयर n इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। ठीक है, नाउ और इसको जो हम नोटेशन इसका देते हैं, सर्कल के अंदर n लिख देते हैं, सर्कल के अंदर n लिख देते हैं, ये इसका नोटेशन होता है सर्कुलर कन्वोल्यूशन का। ठीक है, इसका प्रूफ देखो, हमें पता है कि अगर x1n कन्वोल्यूशन x2n है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डी एफ टीज, एक्स वन के मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू के। और शुरुआत हमारी यहीं से होती है कि अगर एक्स वन के एक्स वन एन का डी एफ टी हो और एक्स टू के एक्स टू एन का डी एफ टी हो, तो लेट अस डिफाइन एक्स थ्री के सच दैट एक्स थ्री के इज इक्वल टू एक्स वन के मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू के। तो x3k is equal to x1k multiplied by x2k, x1k आपका ये रहा, x2k आपका ये रहा, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। वेरिएबल डिफरेंट रखे गए हैं, एक जगह m और एक जगह l रखा गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है कि कंफ्यूजन न क्रिएट हो कि कौन सा m कहाँ का है, कौन सा l कहाँ का है, बस इसलिए l और m अलग अलग रखे गए हैं, उसका कोई खास मतलब है नहीं, बस प्रूफ करने के लिए इसको अलग अलग रखा गया है। ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि चाहे L हो चाहे M हो, दोनों ही 0 से n माइनस 1 वेरी करते हैं, मीन्स x1 और x2 दोनों की लेंथ n की है। ठीक है, नाउ समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x1 m e raised to minus j 2 pi m k by n multiplied by summation l is equal to 0 to n minus 1 x 2 l e raised to minus j 2 pi l k by n। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आता है ना, जो थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, वो कहता है कि इसका अगर हम इस x3 k का अगर हम IDFT लें तो वो क्या होगा, लेट इट इज x3n, तो x3n क्या होगा, 1 by n summation k is equal to 0 to n minus 1 x3k e raised to j 2 pi nk by n। ये जो बीच वाला टर्म है ये पूरा, ये क्या है, x3k।
तो सम 1 by n summation k is equal to 0 to n minus 1 x3 k e raise to j 2 pi n k by n. अब हमने क्या किया, m वाले टर्म को m के समेशन के साथ रखा, l वाले टर्म को l के समेशन के साथ रखा, और जहां जहां n है उन सबको एक साथ करके n वाले समेशन के अंदर रखा है, तो सब मल्टीप्लिकेशन में. तो क्या बन गया, 1 by capital n m is equal to 0 to n minus 1 x1 m multiplied by summation l is equal to 0 to n minus 1 x2 l multiplied by summation k is equal to 0 to n minus 1 e raised to j 2 pi k n minus m minus l divided by n. अब यहां से कंडीशन हमारी बनती है, जब हम इन तीनों को लेकर कंडीशन बनाते हैं तब यहां से हमारी कंडीशन बनती है, लेट n माइनस m माइनस l इज इक्वल टू pn. अगर n माइनस m माइनस l एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ n है, कैपिटल n है, तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ये pn नहीं है, कोई और वैल्यू है, तो ये पूरा टर्म क्या देता है, साइनोसोइडल. और साइनोसोइडल का सम ओवर एन इंटरवल फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 हमेशा 0 होता है, और जब ये 0 होगा तो ये पूरा सम 0 हो जाएगा, x3n पूरा 0 हो जाएगा. ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर आपका ये सम 0 नहीं होगा, वो कंडीशन क्या है कि n minus m minus l is an integer multiple of capital N. ठीक है, तो अगर n माइनस m माइनस l इंटीजर मल्टीपल ऑफ कैपिटल n है, मींस pn है, तो l क्या बनता है, n माइनस m माइनस pn, n माइनस m माइनस pn. और जैसे ही हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, ये क्या बन जाता है, समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 e रेज टू j 2 पाई k pn by n, this is equal to, ये टर्म अंदर वाला 1 हो गया, और जब ये 1 हो गया तो ये समेशन k is equal to 0 to n minus 1 1 is equal to n is equal to n. अब x3n क्या बना, x3n जो आपका बनता है, x3n is equal to 1 by n summation m is equal to 0 to n minus 1 x1 m तक तो ठीक है. ये जो l वाला टर्म होगा इसको भी हमें m में रिप्लेस करना है. तो जब l is equal to 0 है उस टाइम पे m is equal to क्या बनेगा, l 0 रखोगे तो m क्या बनेगा, n minus pn, n minus pn. l 0 रखने पर क्या बना, n minus pn, small n minus pn. और जब इसको हमने n minus 1 रखा, l को capital n minus 1 रखा, तब क्या होगा, n minus 1 करने पर m बनता है n minus m minus 1 minus pn. अब अगर p की वैल्यू हम 1 मान लें, p की वैल्यू हम 1 मान लें, तो क्या बनता है, n minus 2n minus 1, ठीक ना, सॉरी 2n plus 1, n minus 2n plus 1. और n minus capital N से लेकर n minus 2n plus 1, ये जो आपकी एक रेंज है, कितने टर्म्स हैं, टोटल n टर्म्स, और ये n पीरियड, n इसका क्या है, पीरियड.
तो आप n एलिमेंट्स 0 से n माइनस 1 लें या n एलिमेंट्स n से लेकर n माइनस n से लेकर n माइनस 2n प्लस 1 तक लें, बात तो बराबर है, वैल्यूज तो सेम है, वैल्यूज तो सेम है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्योंकि सेम सेम वैल्यूज हैं उसी इंटरवल में, इस वजह से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 में, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 से n माइनस 1 में, और ये जो x2 है ये क्या बन जाता है, l की जगह क्या था, n माइनस m माइनस pn, इट मींस n माइनस m मॉड्यूलो कैपिटल n, ठीक है। यहां जैसे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है आप इसको देखें, p की वैल्यू इन्होंने पुट किया माइनस 1, p की वैल्यू माइनस 1 पुट करते ही क्या बन जाता है, l इज इक्वल टू n माइनस m प्लस n इज इक्वल टू n माइनस m मॉड्यूलो n, ठीक ना। तो l की वैल्यू यहां पे जो हमने पुट करी है वो क्या पुट करी है, n माइनस m मॉड्यूलो कैपिटल n, ठीक। यहां ये वाला n आ गया, ये n इस n से कैंसिल आउट हो गया, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, n माइनस m माइनस l इज इक्वल टू पी एन है, p की वैल्यू माइनस 1 पुट किया तो m इज इक्वल टू n माइनस l प्लस n। अब l जैसे ही 0 पुट करोगे ये क्या बन जाएगा, n प्लस n, l की वैल्यू n माइनस 1 पुट करने पर m क्या बन जाता है, n प्लस 1, बात बराबर है। अभी भी हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, n प्लस n से n प्लस 1 तक, n प्लस n से n प्लस 1 तक जा रहे हैं, ठीक ना। और यह है क्या, पूरा एक साइकिल है, ठीक है, और इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने 0 से n माइनस 1 का एक साइकिल ले लिया। ये देखो यहां पर क्या किया है, m इज इक्वल टू n प्लस n जो आ रहा है, m इज इक्वल टू n प्लस n इज इक्वल टू n प्लस n माइनस 1, दोनों जगह n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक ना, n प्लस 1 में भी n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है और यहां भी n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहां भी n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है। जब n प्लस 1 दोनों जगह सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0, और ये वाला टर्म क्या आ गया, n माइनस 1, बात वही है। कहने का मतलब सिर्फ वही है कि हम सेम इंटरवल ले रहे हैं, हम 0 से n माइनस 1 का ही इंटरवल ले रहे हैं, हम n टर्म्स ही ले रहे हैं, हम अभी भी एक पीरियड ही ले रहे हैं, अभी भी हम एक वही सेम वैल्यूज ही ले रहे हैं, और इसीलिए हमने इस लिमिट को चेंज करके जो 0 से n माइनस 1 था l पर, उसको हमने चेंज करके m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की लिमिट कर दी, ठीक है। और तब चूंकि सेम लिमिट हो जाती है, दोनों जगह m इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 हो जाता है, तो इस लिमिट को हम कंबाइंड कर लेते हैं, और कंबाइंड करते ही यह क्या बन जाता है, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x1 m x2 n माइनस m मॉड्यूलो कैपिटल n। थोड़ा सा मैनिपुलेशन है इसके प्रूफ में, और उसमें कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन सिर्फ इतना है कि हमें एक पूरा इंटरवल, एक पूरा पीरियड लेना है। अब वो पीरियड हम 0 से n माइनस 1 का लें या पीछे 0 माइनस में 0 से माइनस n प्लस 1 तक का लें, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैल्यूज तो वही आनी है, ठीक ना। नेक्स्ट इज सर्कुलर कोरिलेशन, सर्कुलर कोरिलेशन, यहां आप देख रहे हैं गामा सिंबल लिया गया है, कई जगह इसको आर लिया जाता है, आर एक्स वाई कहा जाता है, ठीक ना। तो आर एक्स वाई एल ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन, ठीक है।
आर एक्स वाई एल क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस कोरिलेशन। और जब हम सर्कुलर सिमेट्री में हैं तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर क्रॉस कोरिलेशन। ठीक है, और कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन में डिफरेंस यह है कि कोरिलेशन में आपका जो है इनवर्स नहीं होता है सीक्वेंस का, सीक्वेंस रिवर्स नहीं की जाती है, जैसी है सीक्वेंस वैसी ही रहती है शिफ्टिंग के साथ में, रिवर्स नहीं की जाती है। जैसे वहां क्या था कन्वोल्यूशन में, आप देखेंगे n यहां xm है तो यहां x1m है तो यहां x2n माइनस m है, जबकि कोरिलेशन में क्या होगा x2m माइनस n ही होगा। अगर यहां x1m है तो यहां x2m माइनस n होगा, n माइनस m नहीं होगा। यहां m हो, यहां m है और यहां माइनस m है, मतलब कि सीक्वेंस रिवर्स्ड की गई है। ठीक है, लेकिन यहां पे यहां भी n है और यहां भी n माइनस l है, मतलब सीक्वेंस रिवर्स्ड नहीं की गई है, सिर्फ शिफ्ट की गई है। ठीक है, सो डीएफटी ऑफ क्रॉस कोरिलेशन, सर्कुलर क्रॉस कोरिलेशन इज इक्वल टू डीएफटी ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 xn y स्टार n माइनस l मॉड्यूलो n, व्हिच इज इक्वल टू xk y स्टार के, xk y स्टार के। ये सर्कुलर कोरिलेशन का फॉर्मूला है, इसको आप कोशिश करेंगे प्रूफ करने का, बहुत पहले पुराने साल के पेपर्स में आया है, अभी हाल फिलहाल के 4-5 साल के पेपर्स में ये नहीं आया है, लेकिन बहुत पहले के पेपर्स में एक बार आ चुका है कि इसको आप प्रूफ करें, स्टेट एंड प्रूफ सर्कुलर कोरिलेशन स्टेटमेंट थ्योरम और प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीक्वेंसेस। अब टाइम डोमेन में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा दो सीक्वेंसेस का तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कन्वोल्यूशन। अगर टाइम डोमेन में दो सीक्वेंसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीक्वेंसेस मतलब कन्वोल्यूशन, सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ टू डीएफटीज। ठीक है, एंड पार्सेवल्स थ्योरम, Parseval's theorem is summation n is equal to 0 to n minus 1 xn y star n is equal to 1 by n xk y star k. Summation n is equal to 0 to n minus 1 xn y star n is equal to 1 by n xk y star k. और ये proof जो होता है, ये proof होता है आपके इसी relation से, यहां से सर्कुलर कोरिलेशन से ही प्रूफ होता है। ठीक ना, तो इसके एक बार प्रूफ करके देखेंगे आप, ठीक, पार्सेवल रिलेशन को। चलो इसका मैं ट्यूट में भी दे दूंगा क्वेश्चन कि आप इसको सॉल्व करें एटलीस्ट। अच्छा, एग्जांपल्स, पहला है फॉर द सीक्वेंस एक्स एन विच इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 फाइंड एक्स ऑफ एन माइनस 2 मॉड्यूलो 4, एक्स ऑफ एन माइनस 2 मॉड्यूलो 4 एंड एक्स ऑफ माइनस एन मॉड्यूलो 4। अब हमें एक्स ऑफ एन माइनस 2 मॉड्यूलो 4 चाहिए, मीन्स सर्कुलर सिमेट्री ऑफ अ सीक्वेंस का टॉपिक है, हमें सर्कुलर सिमेट्री से वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अगर एक्स एन 0, 1, 2, 3 है तो एक्स एन माइनस 2 मॉड्यूलो 4 क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्स एन माइनस के मॉड्यूलो n मतलब एक्स एन माइनस के प्लस एन, ऐसे ही एक्स एन माइनस 2 मॉड्यूलो 4 मतलब एक्स एन माइनस 2 प्लस 4, इट मीन्स एक्स एन प्लस 2।
एंड इफ इट इज कंसिडर्ड एज एक्स डैश एन, तो एक्स डैश जीरो क्या होगा, एक्स डैश जीरो क्या होगा, एन जीरो रखा, ये क्या है एक्स डैश जीरो, एक्स डैश जीरो जब हम पुट करेंगे तो एन की वैल्यू जीरो, एक्स ऑफ टू, एक्स डैश जीरो मीन्स एक्स ऑफ टू, ठीक ना, एक्स ऑफ टू, और एक्स ऑफ टू कौन सा है, जीरो वन टू टू, फिर एक्स डैश वन, एक्स डैश वन, वन पुट करेंगे तो एक्स ऑफ थ्री, फिर एक्स डैश टू, टू पुट करेंगे एक्स ऑफ फोर, अब एक्स ऑफ फोर इसमें तो है नहीं, एक्स ऑफ फोर इसमें है नहीं, जीरो वन टू थ्री, एक्स ऑफ थ्री तक है, एक्स ऑफ फोर तो है नहीं, जब एक्स ऑफ फोर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी लगती है, एक्स ऑफ जीरो प्लस फोर मीन्स एक्स ऑफ जीरो, एंड एक्स ऑफ जीरो इज जीरो, देन जब हम वैल्यू थ्री पुट करते हैं एन की एक्स डैश थ्री कैलकुलेट करने के लिए, तो थ्री प्लस टू फाइव, एक्स ऑफ फाइव मीन्स एक्स ऑफ वन प्लस फोर, इट मीन्स एक्स ऑफ वन विच इज इक्वल टू वन, तो सीक्वेंस क्या बना, टू थ्री जीरो वन, टू थ्री जीरो वन, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, अगर हम इसको एक सर्कल में रिप्रेजेंट करें, ऐसे एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल है मान लो एक्स ऑफ एन का, ठीक ना, एक्स ऑफ एन का सर्कल है, एक्स ऑफ एन के सर्कल में कभी भी हम जब सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा ओरिजिन होता है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो यहां पहली वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, फिर हम लेफ्ट साइड से मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज गए, मूव किए, यहां वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू वन, ठीक, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज गए, यहां आए, यहां क्या आएगी, टू, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज गए, यहां क्या आएगी, थ्री, तो अगर हमें एक्शन रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा जीरो वन टू थ्री, हमें क्या चाहिए, एक्स ऑफ एन माइनस टू मॉड्यूलो फोर, एक्स ऑफ एन माइनस टू मॉड्यूलो फोर हमें चाहिए, अब इसका भी हम एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे, ठीक ना, इसका सर्कल बन गया, और अब हमें करना क्या है, दो बार शिफ्ट करना है, दो बार शिफ्ट करना है तो मतलब दो बार रोटेट करना है, अब किस साइड रोटेट करेंगे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, प्लस होता तो क्लॉकवाइज रोटेट करते, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एक बार रोटेट किया तो जीरो यहां आएगा, दूसरी बार रोटेट करेंगे तो जीरो यहां आएगा, ठीक है, तो यहां आ गया जीरो, यहां आ गया वन, यहां आ गया टू, और यहां आ गया थ्री, लेकिन जो एक्शन हमारा है वो कहां से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से, तो अगर ये हम इसको एक्स डैश एन लिखें तो ये एक्स डैश एन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, मींस टू थ्री जीरो वन, ठीक ना, टू थ्री जीरो वन, इस तरीके से आप अपना सीक्वेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं टेबल बना के, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ऑफ माइनस एन मॉड्यूलो फोर, माइनस एन मॉड्यूलो फोर मीन्स माइनस एन प्लस फोर, अब अगर इसको हम हमने एक्स डैश एन मान लिया तो एक्स डैश जीरो क्या होगा, एक्स डैश जीरो होगा एक्स ऑफ फोर, एक्स ऑफ फोर मीन्स एक्स ऑफ जीरो प्लस फोर, इट मीन्स एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो है जीरो, ठीक, एक्स ऑफ जीरो क्या है जीरो, देन एक्स ऑफ वन, वन पुट किया तो माइनस वन प्लस फोर, एक्स ऑफ थ्री अब आएगा थ्री,
टू पुट किया तो एक्स ऑफ टू टू, थ्री पुट किया एक्स ऑफ वन या आ गया वन, ठीक ना। अब अगर इसको हम ऐसे ही सर्कुलरली रिप्रेजेंट करके देखें तो xn तो हमारा बनता है यहां पर 0, यहां 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, ये है xn। अब अगर x of minus n चाहिए, ध्यान देना x of minus n चाहिए, तो अब जो हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल तो हमारा वैसे ही बना लेकिन और स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होगा, कभी भी किसी भी सीक्वेंस को लिखने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा ये, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लेफ्ट साइड लिख रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे थे, चूंकि ये माइनस एन हो गया, रिवर्स हो गया, तो ये पॉजिटिव साइड लिखाएगा, मीन्स क्लॉकवाइज लिखाएगा। तो यहां क्या है, पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू 2, चौथी वैल्यू 3, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारा x डैश n हो, अब ये तो इनवर्स नहीं है ना, x डैश n ये तो इनवर्स नहीं है, तो अगर ये x डैश n हो तो इसको हम रीड किधर से करेंगे, करेंगे तो यहीं से और एंटी क्लॉकवाइज, मींस 0 3 2 1, ठीक है बेटा, 0 3 2 1, इस टाइप से आप अपनी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ आएंगे, ठीक है, थैंक यू।